में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना, पवित्र आत्मा का आगमन कैसे महसूस करना, ये जो आज का क्लास दिया है, टच करके इसे मार के क्या तुम नहीं जानते, टच करने का है। वही बात हमारे ग्रुप में से बहुत लोगों को ऐसा महसूस किया, अपना अपना अनुभव बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है। परमेश्वर को जानने का रास्ता उन लोगों को आज अच्छी तरह से मिला, ऐसा उनका कहना है। और सेकंड सेशन में हमको लगता है कि हमारे लिए सिर्फ पुरोहित प्रार्थना करे, रोग शांति तब मिलती है जब पुरोहित हमारे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, ऐसा हमारे मन में लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो बीमार है उसके लिए आप जाके प्रार्थना करो। आप लोगों ने किसी के लिए प्रार्थना किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ज़िंदगी में मैं परमेश्वर को बहुत करीब से देखा है। परमेश्वर जीवंत है, परमेश्वर सुसमाचार यानी यीशु ही सुसमाचार है। यीशु को कभी किसने देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं परमेश्वर से ये नहीं करता कि हम बाज़ार में जाते कुछ चंद पैसा देते कुछ खरीद के सामान लेके आते, परमेश्वर का ये स्वभाव नहीं है। परमेश्वर कहते रहता है कि तुम मेरे पास आओ। हमारा कभी कभी ऐसा है कि मैं ये करूँगा तुम मुझे चंगाई प्रदान करो, एक व्यवहार है। ये व्यवहार का विश्वास से कोई चलेगा तो कभी उसको मिलने वाला नहीं है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण है उनके विश्वास के बारे में। जक्कई मुझे सबसे अच्छा लगता है। जक्कई को सिर्फ यीशु को देखने का मन था। यीशु घर में आए उसको कभी भी ऐसे मन में कभी नहीं आया। आप बार बार वो सुसमाचार पढ़ के देखो, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 जक्कई के बारे में पढ़ो। जक्कई को सिर्फ यीशु को देखना था। वो छोटा है, कद से छोटा है और परमेश्वर के प्यार से भी छोटा था करके वो लज्जा नहीं लेते। उतना बड़ा जकातदार, जो बड़ा जकातदार है उसके नीचे भी काम करने, उसके हाथ के नीचे भी काम करने वाले बहुत सारे जकातदार थे, तो भी वो एक देखिए जिस रास्ता से यीशु जा रहे बोल के मालूम हो गया, वही रास्ता के झाड़ पर जाके खड़ा बैठ गया। देखने का मन करो, यीशु आपके घर में आएंगे। आज वही महसूस हो गया, यीशु को अपना शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, मंदिर है बोल के आपको जब मालूम होगा वही समय ईश्वर आपके घर में आएगा, आपके पास आएगा। वो बात जो ब्रदर ने आज सिखा के दिया है सच में एक हमारा जिंदगी को बदलने वाला रास्ता है। जैसे हम पूरब की दिशा में जा रहे, वो दिशा छोड़ के सीधा दूसरा रास्ता जाना, मैं उस जाने वाला रास्ता छोड़ देना है। यरूशलेम से यरीहो जाने वाला रास्ता छोड़ना है, क्योंकि यरीहो का रास्ता है पाप की ओर जाने वाला, एमाउस का रास्ता है पाप की ओर जाने वाला। हमको जाना है ईश्वर की दिशा में। ईश्वर की दिशा में चलना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। इसीलिए आज जो पवित्र आत्मा के बारे में हमारे ब्रदर जी ने जो क्लास दिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हमारा मन को आलोकित करने वाला है। मन को ऐसा महसूस करता, मुझे इतना महसूस हो गया कि ये ऐसा कम से कम
साल में एक बार तो भी ऐसा वाला क्लास में भाग लेना और नवीनीकरण करते रहना, हमारा विश्वास को भी नवीन, हम बहुत सारा विश्वास करते हैं, ऐसे हम बोलते भी हैं, हम फादर लोगों को भी बोलते हैं कि फादर जी हमने घर में ये करते वो करते ऐसे करते वैसे करते, मंडली में भी जाके तब भी बोलते हम ये करते वो करते 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 करते, लेकिन कुछ मिलते तो करते, ऐसा हम ईश्वर को बोलते कि तुम मुझे ऐसा चंगाई प्रदान करो, मैं यहाँ तक पैदल जाऊँगा वहाँ तक पैदल जाऊँगा, तू दे या ना दे मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सबसे पहले यहाँ तक पहुँच गए, ये सबसे बड़ी ईश्वर की दया है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ बोल के खड़ा नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की दया है। वो दया महसूस करके वो दया के रास्ता में चलते रहना, यही बड़ी ईश्वर की दया है। इसलिए मैं सबको और एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे ग्रुप का, विशेष करके आज ये जो है मेरे ही पारिस का लड़का है, क्रिश है नाम उसका, क्रिश मिंज, आज पहली बार उन्होंने बताया, वो कभी कभी चर्च में भी नहीं आता, वचन सुनने के लिए भी नहीं आता, यो इस साल 12th में पढ़ रहा था इसलिए उसको समय नहीं था, कम समय है क्योंकि 12th में बोल के पढ़ाई ज़्यादा है बोल के चर्च में कम आया, लेकिन आज इधर उसको जो महसूस हो गया वो बहुत अच्छा फील हो गया, प्रभु का वचन ऐसा सुनने के लिए एक मेरा जिंदगी को सच में बदलने वाला रास्ता आज मुझे मिल गया बोल के वो आज बताया हमारे ग्रुप में, इसलिए उसके लिए तालियां बजाओ क्योंकि वो आने वाली न्यू जनरेशन है। सबको धन्यवाद।